हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे। और मैं हूँ पूनम, और स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि हम जो है घर पे धान को कैसे पकाते हैं, उसके बाद उसको चावल के लिए कैसे तैयार करते हैं। तो आप लोग वीडियो को जो है पूरा देखते रहिएगा, तभी पता चलेगा। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। ये देखिए, धान को जो है हमने एक दिन पहले से ही पानी में डुबो के रखा है इस तरह से, और फिर हम छान के कढ़ाई में डाल देते हैं। पूरी तरह से नहीं छानेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी जो है उसमें डालना होता है, नहीं तो धान जो है अच्छे से नहीं पकेगा। तो एक तरीके दूसरी देखिए, दूसरे घड़े में भी पूरा धान भरा हुआ है, उसको भी अभी इसी में डालेंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत बड़ी है तो पूरा धान जो है ले लेगी। जो धान निकाल रही है वो मेरी मम्मी जी हैं, और देखिए किस तरीके से धान को हमें कम से कम 24 घंटा पानी में डुबा के रखना होता है, तभी जो है हम इसे पकाते हैं। तो देखिए, हम इसी तरह से पूरा कढ़ाई को भर देंगे। देखिए अभी थोड़ा सा और है, उसे भी पूरा ले लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए कबूतर हैं, खा रहे हैं, ये हमारे घर के कबूतर थे, ख़त्म हो गया। अब जो है कढ़ाई को चारों तरफ से कवर कर देंगे ताकि भाप जो है अंदर से ना निकले, क्योंकि अगर भाप निकल जाएगा तो धान अच्छे से नहीं पकेगा, और धान अच्छे से नहीं पकेगा तो चावल जो है टूट जाएंगे, तो इसीलिए कवर करते हैं। ये देखिए किस तरह से आग जल रही है, और भूसी है वो जो इधर से देखिए भूसी फेंक रही है। भूसी के बारे में हम आप लोगों को पार्ट टू में बताएंगे कि भूसी कैसे होता है, ये धान का है, धान से ही बनता है। तो देखिए धान हमारा पक चुका है। इस तरीके से हम धान को जो है निकालते हैं, पहले बोरा को निकाल लेंगे, फिर जो है पूरा धान को बाहर निकालेंगे। तो धान पका है कि नहीं पका है, ये एक आवाज़ होती है जिससे पता चलता है। जो लोग घर में धान से चावल बनाते हैं उसे इस आवाज़ के बारे में अच्छे से पता होगा। अगर उसमें पानी रहता है तो आवाज़ थोड़ा तेज़ होता है, और जैसे जैसे धान पूरी तरह पक जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है, तो आवाज़ एकदम ख़त्म हो जाता है। तो देखिए धान जो है एकदम अच्छे से पक चुका है, कितना भाप निकल रहा है। पार्ट टू भी लेकर आएंगे, जिसमें आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह धान को सुखा के लिए चावल बनाते हैं मशीन से, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता है, 2-3 दिन कम से कम उसे धूप दिखाना पड़ता है। तो जिस दिन मशीन आएगा चावल निकालेंगे, उस दिन हम इसका पार्ट टू ज़रूर बनाएंगे। तो तब तक के लिए बाय।